क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, नेम ऑफ द चैप्टर इज बिजनेस सर्विसेज एंड द नंबर ऑफ चैप्टर इज 4, इट इज लेक्चर नंबर 3। एंड नाउ सी द न्यू टॉपिक आई एम स्टार्टिंग नाउ, द टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। पॉइंट नंबर वन, इन टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, पॉइंट नंबर वन आई हैव टेकन, दैट इज ईएफटी। ईएफटी मींस इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इट इज टाइप नंबर वन। ईएफटीज दे आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। इट कैन बी इधर विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस वाया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक। इट मीन्स दिस ईएफटी विल बी डन विदाउट बैंक स्टाफ, यू शुड हैव इंटरनेट कनेक्शन एंड दीज ऑल आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स, व्हेन द कंप्यूटर हैज कम देन डेफिनेटली यू विल बी रिक्वायरिंग दिस इंटरनेट। देयर आर द टू वेज इन विच ईएफटी कैन बी डन, दीज आर नेफ्ट। नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड एड्रेस। आरटीजीएस मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सी वंस मोर, इज नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एंड देन आरटीजीएस। द मीनिंग ऑफ आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाउ मूव ऑन टू द मीनिंग ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट रेफर्स टू अ नेशन वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल एंड फर्म्स टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी अदर इंडिविजुअल हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। इट मीन्स विद इन द कंट्री इट कैन बी डन इन एनी वे। अगेन एक सी वंस, नेफ्ट रेफर्स टू द नेशन वाइड सिस्टम द फैसिलिटेट मीन्स हेल्प। इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड फर्म्स टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक टू एनी इंडिविजुअल। इट मीन्स नेफ्ट का जो वर्किंग है वो किसी भी बैंक के लिए, किसी भी पर्सन के लिए है, बट इट शुड बी विद इन द कंट्री। आरटीजीएस, नाउ मूव ऑन टू आरटीजीएस। आरटीजीएस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू बैंक्स। इट मीन्स दिस ट्रांसफर विल बी डन विद द हेल्प ऑफ बैंक। फंड्स में बी ट्रांसफर्ड थ्रू द आरटीजीएस यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सी व्हेन एनी पर्सन गोज फॉर डूइंग आरटीजीएस देन दे ऑल द बैंक ऑल्सो शुड हैव द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, ओनली देन द कंप्यूटर बेस्ड सर्विस कैन बी डन इन द नेम ऑफ आरटीजीएस। द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर एनी आरटीजीएस इज ₹2 लाख एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर आरटीजीएस ट्रांजेक्शंस। देखिए मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम इट कैन बी एनी अमाउंट, तो अमाउंट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड। इट मीन्स एनी अमाउंट कैन बी यूज आरटीजीएस, मिनिमम शुड बी ₹2 लाख। सेकेंड नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स दैट इज नोन एज प्लास्टिक मनी। इट डज नॉट मीन कि नोट हमारे प्लास्टिक के होंगे, बट क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स वो प्लास्टिक के बने रहते हैं, सो इट इज रिटर्न इट इज प्लास्टिक मनी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड दैट इज प्लास्टिक मनी। द कस्टमर कैन मेक डिजिटल पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। मीन्स व्हेन एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन एंड नाउ अडेज सीओडी कैश ऑन डिलीवरी इज जनरली नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। सो द यूजिंग ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड नाउ वट इज दैट इज वेरी मच सेफ।
If you have credit and debit card, then the online transactions it can be done easily because cash on delivery COD is not available. In fact, about 95% of online transactions they are executed with a credit card. Again, see, credit cards they are issued by the banks. Point number third, digital cash. Now see the meaning of digital cash. Digital cash is also known as e-currency, electronic currency, digital money, cyber currency. It refers to a system in which a person can securely pay for goods and services electronically without necessarily involving a bank to mediate the transactions. It means in your bank account, the money should be available. You should have some credit or debit card. That money that you have in your account, that is known as now e-currency. Because physically you are not getting the notes, you are not getting currency notes. सिर्फ हमने नंबर लिखा और उतने नंबर के नोट हमारे अकाउंट से कम हो गए व्हाइल डूइंग एनी ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। पॉइंट नंबर फोर, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। दिस सर्विस कैन ओनली बी अवेल्ड If your Aadhaar number is registered with the bank where you hold an account, means the dealing on the basis of Aadhaar number can be done, but that Aadhaar number should be registered in your account. उस account से connected होना चाहिए Aadhaar number, जिस number से आप dealing करेंगे, transactions करेंगे. Point number four, mobile wallets. Now see, it is a wallet, nahi hai, virtual wallet. Hai. Virtual wallet means as you people get virtual money. Virtual means ki bhai humne likha, unhone bhej diya, bas number ka exchange ho raha hai. Physically notes they are not at all exchanged. That is the meaning of virtual. Point number four. Mobile wallets. It is a type of virtual wallet service. That can be used by downloading an app. See, for using money, you should have mobile wallets. Means us wale wallet mein aapke paas paisa hona chahiye. And I have taken two examples. That is of Paytm and MobiKwik. There can be so many, but I have taken only two examples. It is a type of virtual wallet service that can be used by downloading an app. For example, that app is Paytm or MobiKwik, etc. etc. means many more. The digital or mobile wallet stores bank account or credit debit card information. Store money इकट्ठा कर लेता है बेटे, वो रख लेता है अपने पास. Or bank account information in an encoded format. Encode format में रख लेता है, so that whenever you do transactions, the money can be easily paid. And the in an encoded format to allow secure payments. And that encoded format helps in doing the payment, and that payment is done with full security. One can also add money to a mobile wallet and use the same to make payments and purchase goods and services. It means when your wallet becomes empty, again you can transfer money in that wallet from your bank account. One can also add money to a mobile wallet and use the same to make payments and purchase goods and services. It has eliminated the need to use credit or debit cards. And now see, if you pay money through Paytm, only the mobile number, only the scanning you can do. And only with one click the amount can be easily paid. In that case, you do not require any type of credit or debit cards. Means mobile wallets, they have eliminated the use of credit or debit cards. Now there is no need to remember CVV number or 4-digit PIN number. Point number six, point of sales. They are known as POS terminals. It is usually a handheld device
रीड्स बैंक कार्ड्स। अब देखिए, आप लोग दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो छोटी सी मशीन से आप अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, हैंड हेल्ड, माने कि उसको हम हाथ से भी हम उसको यूज कर रहे हैं। इट इज यूजुअली अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट रीड्स बैंक कार्ड्स विद डिजिटाइजेशन, द स्कोप ऑफ POS पॉइंट ऑफ सेल्स इज एक्सपैंडेड। डिजिटाइजेशन का मतलब है कि भाई हमारे अकाउंट में डिजिट्स आ रहे हैं फिजिकली। नाउ नोट, करेंसी नोट्स वी डू नॉट यूज, जनरली वी डू नॉट यूज। आई एम नॉट सेइंग कि उनका इस्तेमाल ही बंद हो गया है, नॉट एट ऑल। विद डिजिटाइजेशन द स्कोप ऑफ POS इज एक्सपेंडिंग एंड दिस सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। इट मीन्स दैट अमाउंट कैन बी पेड थ्रू मोबाइल फोन्स एंड थ्रू इंटरनेट ब्राउजर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ POS टर्मिनल्स सच एज मोबाइल POS, फिजिकल POS, POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल्स, एंड वर्चुअल POS। फिजिकल टर्मिनल्स दे आर कैप्ट इन शॉप्स एंड स्टोर। फिजिकल टर्मिनल्स मीन्स वो जो मशीन रखी रहती है जिसमें हम अपने डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं। मोबाइल POS टर्मिनल्स वर्क थ्रू अ टैबलेट और स्मार्टफोन। इफ यू डू नॉट हैव एनी टैब, इफ यू डू नॉट हैव एनी स्मार्टफोन, यू कैन नॉट यूज ऑल दीज टर्मिनल्स। वर्चुअल पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम्स यूज वेब बेस्ड। वेब बेस्ड मीन्स दे आर बेस्ड ऑन इंटरनेट एप्लीकेशंस टू प्रोसेस पेमेंट्स। पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, नाउ मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। पोस्टल सर्विसेज, फर्स्ट नंबर मेल। देखिए, मेल में पोस्ट कार्ड्स भी आते हैं एंड आई थिंक दैट यू पीपल डू नॉट नो व्हाट आर द पोस्ट कार्ड्स। चलिए, खैर कोई बात नहीं। द मेल और पोस्ट इज अ सिस्टम फॉर द फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अदर स्मॉल पैकेजेस एज वेल एज अ टर्म। जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पोस्ट कार्ड, फॉर लेटर्स एक्सेट्रा, दीज ऑल दे कम अंडर द नेम ऑफ मेल। पॉइंट नंबर टू, रजिस्टर्ड पोस्ट। इट रेफर्स टू द पोस्टल फैसिलिटी वेयर इट इज एंश्योर्ड दैट द मेल इज डिलीवर्ड टू द एड्रेस। एड्रेस माने जिसको मुझे भेजना था उसको मेल मिल गई है, उसको हमारा रजिस्टर्ड पोस्ट दैट पर्सन हैज गॉट। अदरवाइज इट शुड कम बैक टू द सेंडर इफ दैट इज नॉट रिसीव्ड बाय एड्रेसी, इन दैट केस दैट कम्स बैक टू द सेंडर। रजिस्टर्ड पोस्ट मेल्स आर हैंडेड ओवर टू द पोस्ट ऑफिस आफ्टर अफिक्सिंग एडिशनल पोस्ट एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू सेंड एनी पोस्ट By the name of registered post, you will have to pay some money, and the name of the money will remain registration charges. On receiving the mail, the post office issues a receipt to the sender as a proof. It means the sender has proof that the registered post has been sent. Addressee cannot refuse because sender has a proof to distinguish. From the ordinary post, all registered mails are superscribed as registered post on their face. It means superscribed का मतलब बेटे registered post पर लिखा रहता है ऊपर में, registered की this letter that you are receiving, it is a registered post. And now listen to your homework, write and learn today's topics. These all topics they are very interesting. Please keep on writing them. Do not spoil your studies as you are sitting it at home. Thank you so much.